हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में CSK बन चुका है भारत का फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जो कह रहा है चेन्नई सुपर किंग बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। इसका मतलब ये है कि इनके वैल्यूएशन 7,600 करोड़ से पार जा चुकी है, जो टेक्निकली चेन्नई सुपर किंग स्पोर्ट्स लिमिटेड अब बन गया है एक यूनिकॉर्न। और हम सब जल्द से जल्द 100 यूनिकॉर्न को पार कर जाएंगे और चाइना को बड़े आराम से टक्कर दे सकेंगे। ऑल थैंक्स टू MS धोनी, अब इंडिया के पास 80 नहीं 81 यूनिकॉर्न्स हैं। हालांकि IPL हमें आराम से 5 से 6 यूनिकॉर्न्स दे सकता है। तो CSK की टीम जो है वो असल में है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड की, जिसके मेजर शेयर होल्डर हैं इंडिया सीमेंट, जो एक बहुत जाना माना ब्रांड है और आपने इनका सीमेंट काफ़ी बार देखा होगा। तो असल में देखा जाए तो इंडिया सीमेंट्स के दम पर ही खड़ा हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स और एक यूनिकॉर्न बना है आज। फनी बात मगर ये है कि इंडिया सीमेंट्स खुद एक यूनिकॉर्न नहीं है, मगर CSK एक यूनिकॉर्न बन गया है आज उनके दम पर। ये अकेले ही दिखा देता है कि इंडियन स्पोर्ट्स में अभी कितनी कैपेबिलिटी और ताकत बची है। CSK के शेयर्स पिछले 3 साल में 10 गुना रैली दिखा चुके हैं और इसके एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें और जान है और ये अभी भी जान डालता हुआ दिखेगा। CSK के अलावा लखनऊ फ्रेंचाइज जो हाल में 7,090 करोड़ में बिका है और अहमदाबाद फ्रेंचाइज जो 5,625 करोड़ में बिका है, ये दोनों के दोनों देखा जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है एक यूनिकॉर्न बनने से, क्योंकि ये दोनों टीम एक ऐसे स्टेट से आते हैं जो बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिकली और इनकी फैन फॉलोइंग के चलते इन्हें वो जो मच वॉन्टेड पब्लिक पुश है टूवर्ड्स बिकमिंग अ यूनिकॉर्न वो मिलेगा। IPL की तरफ इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अट्रैक्ट होते हैं कि कितनी बार प्लेयर्स के खरीद और लेन देन में करोड़ ऑफ रुपीस खर्च हो जाते हैं। मगर हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें फोर्ब्स की लिस्ट तक एम करना है, क्योंकि फोर्ब्स की लिस्ट जो स्पोर्ट्स टीम की वेल्थ को दिखाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप उसमें देखें तो आपको मोस्टली NFL, NBA, अमेरिकन बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल और नॉर्मल फुटबॉल डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। जैसे कि बार्सिलोना की टीम हो गई, FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, डालस इंटरनेशनल, वैसी टीम्स। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि IPL के जो सीजन्स हैं उनकी लेंथ में हम मार खा जाते हैं, क्योंकि बाकी जगह के सीजन्स जैसे कि लालीगा और फुटबॉल लीग्स वो बहुत महीनों तक चलते हैं, मगर IPL मुश्किल से 1 या 1.5 महीना चलता है। अगर हम